नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5:25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में पीएमजीकेवाई के लाभार्थियों के साथ करेंगे बातचीत। केंद्र सरकार ने दिए संकेत, राजनीतिक विरोध और कोरोना संक्रमण के बावजूद सुधारों पर नहीं ठिकेंगे कदम। जम्मू कश्मीर पर ओआईसी के बयान को भारत ने कड़ाई से किया खारिज, देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी न करने की हिदायत। अब पराली जलाने पर नहीं होगा मुकदमा, किसानों के विरोध के बाद सरकार ने वापस लिया कानून। देश में 24 घंटे में आए करीब 4000 कोरोना के मामले, वहीं 464 संक्रमितों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में बना नया कीर्तिमान, 80 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला मुफ्त राशन। यूपी डीजीपी मुकुल गोयल की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती, कहा पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार के हैं आरोप। किसानों के लिए लगेगी डिजिटल पाठशाला, तकनीक के साथ होगा आर्थिक विकास। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, 9 से 16 अगस्त तक होंगे विभिन्न आयोजन। लखनऊ के लोहिया संस्थान में शुगर का इलाज, आयुर्वेद से वर्षों से इंसुलिन ले रहे मरीजों में दिखा फायदा। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लगे नारे, सेना के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली। कोरोना की उत्पत्ति पर अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की रिपोर्ट को चीन ने किया है खारिज। ब्रिटेन में अब जल्द शुरू हो सकता है 16 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। अफगान सेना के हवाई हमले में 13 तालिबान आतंकी हुए ढेर, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बना। वहीं दुनिया भर में 2 अरब वैक्सीन डोज सप्लाई करेगा चीन, कोवैक्स के लिए देगा 10 करोड़। भारतीय महिला हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना टूटा, ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने भारत को 4-3 हराया। भारतीय पहलवान ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को हराया, एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से होगा मुकाबला। इंग्लैंड को बड़ा झटका, जोफ आर्चर पूरे साल के लिए नहीं खेल पाएंगे क्रिकेट, टी20 वर्ल्ड कप से भी हुए। सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम के हारने पर हरिद्वार में हंगामा, वंदना के परिवार को दी गाली, 3 बार केस हुआ दर्ज। पाकिस्तान में हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, वर्ल्ड चैंपियन टीम 18 साल बाद खेलने को है तैयार। निर्माता पर लगा यौन शोषण का आरोप, महिला ने दर्ज कराया है केस। दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने अंतिम जमानत याचिका की है खारिज। जानवी कपूर ने मलयालम फिल्म हेलन की हिंदी रीमेक की मुंबई में शुरू की शूटिंग, जानवी ने इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में 4 अगस्त से की है शुरू। इंडियन आइडल 12 के मंच पर गूंजेगा बचपन का प्यार, सहदेव दिल दो आएंगे नजर।
आकाश कुंद्रा ने जमानत को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, पुलिस की ओर जारी हुए हैं नोटिस। फिलहाल लेता है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।